गाइस ये तो वो होता है, इसको फॉसिल्स कहते हैं ना। भाई मैंने कोई भी सीड नहीं डाली इसमें, देख सकते हैं क्या? ऊपर तो मैं जाऊंगा नहीं, ऊपर वैसे भी डेजर्ट है, तो मेरे को वुड के लिए अपना बेस तबाह करना पड़ेगा। Okay, so hey guys, welcome back to my channel. So guys, आज की वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट में अपनी सर्वाइवल सीरीज, और आज हम उसी डार्क रवीन को एक्सप्लोर करने वाले जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ी थी। तो देखते वीडियो में क्या होता है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई मैं वहीं पर स्पॉन हुआ जहाँ से मैंने छोड़ा था, जैसे मैंने पैक करके छोड़ दिया था इसको, तो यहीं से एक्सप्लोर करेंगे। एंड मेरे पास अभी कुछ ऐसा सामान है, 7 आयरन है मेरे पास, 7 और 2 9 आयरन है मेरे पास। रात हो रही है, सुबह है, अभी सुबह ही है। और यहाँ पर मॉब्स देखो कितने हैं, एक्सलोटल्स भी है बहुत सारी, इसको टेम करेंगे। एक्सलोटल माइनशाफ्ट क्या, माइनशाफ्ट और रवीन एक साथ में, ये भी सही है। पहले काम करते हैं, मेरे पास फर्नेस है, दानी बना लेते हैं, एक फर्नेस बना ली। अब इसमें अपना सारा आयरन पका लेते हैं, थोड़ा और कोले इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ तो भाई स्नेक छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। नीचे गोल्ड भी है, नाइस। और दे रही मेरी टॉर्च, टॉर्च को पकड़ लेते हैं। ओह इससे भी रोशनी हो रही, देखो सिपिकल से। अभी अपने पास खाने की भी कोई कमी नहीं है, मेरे पास बहुत सारा खाना पड़ा है, 27 और 64। यहाँ थोड़ा आहा प्लीज भैया, इसको मार दूंगा अभी। चलो ये तो मर गया भाई, जिंदगी में क्रीपर से पंगे नहीं लूँगा कभी। 9 आयरन, तो इसका एक काम करते हैं, मेरे पास 6 है, ना स्टिक है ना वुड है, येरी वुड बनाओ स्टिक। एंड अब क्या करना था, हाँ पिकैक्स तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक पिकैक्स। गाइस स्कैम हो चुका है, बट अपने पास 3 आयरन अभी भी है, तो इसके एक एक्स बना लेते हम, उसके लिए हमको थोड़ा और वुड लगेगा। अरे यार 2 पिकैक्स बनाती, डायमंड की होती तब तो बात भी थी। ठीक है 2 पिकैक्स बन गई और एक ही बन गई। ओके प्रिपेयर रूम में जाने के लिए, चलो कोई बात नहीं चलते हैं। एंड थोड़ा बहुत आयरन मेरे को यहाँ भी दिख रहा था ऊपर, ये रहा, तो इसको लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो लेट्स गो। पूरी ब्लॉक की बचत के साथ चल रहा हूँ मैं। ए भाई देखा गाइस, ग्रेवल लाओ प्लीज। चलो नहीं है, आसपास है लेकिन। बेचारे एक शहीद हो गया, कोई बात नहीं। कोल क्यों डाल रहा हूँ, आयरन कहाँ गया जो मैं लेके आया, मेरा 5 आयरन। वो सैंड फ्लोट कैसे कर रही है भैया, ओ सैंड के चक्कर में आयरन दिख गया। अब लेने जाने के लिए उसको रिस्क है, कोई बात नहीं। तू क्यों लग जा रही है बार बार, ग्रेवल नहीं प्लीज। 25 सैंड, ओके आयरन के पास पहुंच चुके हैं, प्लीज ग्रेवल नहीं है। पानी है कहीं आसपास, छोड़ो भाई। ओ बच गया, बच गया। वो यहाँ क्या है, आयरन भैया वाई नॉट। चलो वापस ऊपर, और आगे जाना चाहिए क्या, अरे मेरे को एक आगे आइटम बॉम्ब भी दिख रहा है, तो पहले ब्रह्माणु को नष्ट करते हैं एंड यहाँ से भागते हैं। ने मेरे को डैमेज तो पड़ा, मेरे पास क्या है, बूट्स और ये हैं। ओके शंख प्रक्रिया समाप्त, हम इसको ठीक करते हैं। भाई आयरन ही आयरन, आयरन ही आयरन, कुछ ज़्यादा ही कॉमन लगने लग गया मेरे को आयरन। बट अभी स्टार्टिंग के लिए तो इसका सामान ही बनाना पड़ेगा ना, पर और आयरन तो ले लेते हैं।
भाई जितना देना है दे दो, क्योंकि आगे जाके इसका एनिवले बना सकते हैं हम, बहुत कुछ बना सकते हैं। इधर लावा भी है, मैं रास्ता भपरी जाऊंगा मेरे को लग रहा है। जहाँ तक ब्रह्माणु फटा था यहाँ पर, ब्रह्माणु फटा था। चलो सही है, पिकैक्स काम आएगा, मैंने दो बनाई तो बनाई। नीचे मत जा ब्रो, लेट्स गो। बुझ जा भाई, चलो ठीक है। यहाँ से ऊपर क्या है, ये केव खत्म। ओह ऊपर रास्ता निकल रहा है, नाइस। बट हम वो रवीन एक्सप्लोर करने आए हैं तो उसी को एक्सप्लोर करेंगे। बस 31 हो गया था, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39। भाई लॉटरी लग गई गाइस। What happened? कॉल भी उठाई लेते हैं, मेरे पास 13 कॉल बस। और हाँ, मैंने एक वीडियो भी देखी थी कि अगर हमारे हाथ में कॉबलस्टोन है तो हम क्रीपर से बच सकते हैं। अगर क्रीपर मिलेगा तो जरूर दिखाऊंगा आपको। ठीक है चल जा भाई, 38 हो गया। मेरे को यहाँ से नीचे जाना चाहिए, ऊपर मैं कैसे आया था ऐसे करके। यहाँ से मैंने कॉल उठाया था फिर मैं ऊपर को गया था। सही जा रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर एक क्रीपर भी फटा था। हेलो ये भाई, मेरा अड्डा कहाँ गया वो? ओ गाइस ये तो वो होता है, इसको फॉसिल्स कहते हैं ना। भाई मैंने कोई भी सीड नहीं डाली इसमें, देख सकते हैं क्या ऑप्शंस? पता नहीं, कमेंट करके बताना कि इससे कैसे चेक कर सकते हैं। भाई लिटरली फॉसिल्स गेम को, और टेक्स्ट में जाके भी दिखा देता हूँ, मैंने कोई भी क्रिएटिव नहीं कर रहा है। हाँ ऐसे दिखा सकता ना, स्लैश डालना होता ना। देखो मैंने गेम मोड क्रिएटिव करा, इसको एंटर करा, ये कमांड ले ही नहीं रहा बिकॉज चीट्स ऑफ है। व्लॉग विश्वास नहीं करते इसलिए अच्छे दिखाना पड़ता है। और मेरे जस्ट ऊपर वो फॉसिल्स है और मेरे को पता भी नहीं है ऐसे कहाँ खोया हुआ मैं। अच्छा मेरा बेस हो रहा वहाँ पर, बेस तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं सुख। आवाज़ आई अभी, भैया यार माफ़ कर दो, सुबह हो एक मिनट को। वो रहा मेरा बेड, इसके पास एक क्रीपर देखा था मैंने, अभी के लिए फिलहाल सो जाते हैं। मेरे बेड के पास नहीं आना चाहिए प्लीज़। थैंक गॉड एंड एंटर भैया उधर, ऊपर सुबह भी हो चुके हैं। ओह एक्सलोलॉटल, बस तीन ही आ रहा था। थोड़ा सा ले लेते हैं टॉर्चेस बनाने के लिए, कहीं पर लगानी हो तो। ठीक है ओके, तो मेरे को फॉसिल लूटनी है ना, वो तो फॉसिल्स है क्या? वोरी नाइस यार। मेरे को भागना पड़ेगा, मैं ऐसे तीर कमान बहुत गंदा मारता है। ये एम बॉट है, धीमे भैया। पाँच आई रहने ना वो यार, वुड चाहिए थी मेरे को। ऊपर तो मैं जाऊंगा नहीं, ऊपर वैसे भी डेजर्ट है, तो मेरे को वुड के लिए अपना बेस तबाह करना पड़ेगा, तो वो हम बिल्कुल करेंगे। कितनी वुड होगी? 4। वहाँ जाना पड़ेगा लग रहा है, लेकिन मैं वुड लेके उल्टे पाँव वापस आ जाऊँगा बता रहा हूँ। कोल भी उठा ही लेते, रास्ते में मिल रहा है तो, रास्ते का माल सस्ते में। भाई शहीद हो गया, RIP स्क्विड लिख दीजिएगा इस कमेंट में अभी कभी। ओके बाय 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 बाय। ए थोड़ा अंदर को हो जाते हैं, स्वॉर्ड भी नहीं मेरे पास, मेरे को किसी जाले में नहीं फंसना है भाई। ठीक है ये करा भाई, कोई स्केलेटन बोना चिपका दे अपनी। हो फाइनली, कितनी वुड होगी? 10। ठीक है अभी के लिए तो। भाई इसको क्या तकलीफ हो, क्यों चढ़ रही है बार बार ऊपर? एंडरमैन की आंखों में नहीं देखना। 24 आयरन स्मेल्ट हो चुका है एंड अभी बारी आ गई है सूटअप होने की, उससे पहले शील्ड बना लेते हैं। ठीक है फिलहाल तो। एंड नाउ स्ट्रिंग किसको चाहिए? स्मूथ सैंड स्टोन भी नहीं चाहिए, स्टोन एक्स का भी कोई काम नहीं है, रोटन फ्लैश भी नहीं। भैया रेड स्टोन रख लेते हैं, सी पिकल भी एंड साइट नहीं,
शुगर केन रख लेते हैं, उगाएंगे कभी कहीं पर। तुमको अलग चर्बी चढ़ी है, आजा 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 आजा। ओ हाँ, मैंने को आपको वो दिखानी थी ना, आजा वो वाली तकनीक। तो अगर आपके सामने कोई भी क्रीपर फट रहा है तो अगर उसके सामने आप ऐसे ब्लॉक रख देंगे तो आपको डैमेज नहीं पड़ेगा, जैसा कि मेरे को नहीं पड़ा। तो अगर इसके सामने मैं ऐसे दो ब्लॉक रख दूंगा, अरे ब्लॉक ही खत्म हो गए भैया, आज के बाद हीरोपंती नहीं मारूंगा, बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, जिंदगी में नहीं मारूंगा। यहाँ पर एक ऑब्सीडियन है, उसके लिए मेरे पास डायमंड पिकैक्स नहीं है। एंड इसका करूँगा अब मैं, हाँ एक स्वॉर्ड बनानी थी, उसके लिए मेरे पास वुड है। एक स्वॉर्ड बना लेते हैं आयरन की, शॉल भी बना ही लेते हैं। आ क्रीपर, ये बहुत ध्यान रखना होता है गाइस क्राफ्टिंग करते हुए। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चू, चल जल्दी फट जा। इसको फाड़ ही दो भाई पहले, ऐसी जगह पर ना पंगे में, तो फाड़ ही दो इसको। चल भाई, अरे इन्वेंटरी नहीं खोलनी। बॉब द बिल्डर कर के दिखाएंगे। यहाँ पर पानी डाल दिया, तुम मरनेंगे नहीं। उधर चल उधर चल उधर चल उधर चल, नाइस। इसको लूटने गया, बस बोन मिल के ब्लॉक मिल जाएंगे ना, बोन ब्लॉक है ना, हाँ इससे मिलेगी बोन, बोन से मिलेंगे बोन मिल। ओह कितनी तगड़ी आवाज़ आ रही है इसमें से, ये भाई ये सही है, कोई कंक्रीट का घर बनाना हो। शिफ्ट नहीं छोड़ रखा मैंने जब तक इसको लूट रहा हूँ मैं। ये सबसे ज़्यादा वहाँ मिलती है नेदर में, वो कौन सी बायोम, सोइल सैंड वैली होती है ना, हाँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है कोल भी निपटा ही लेते हैं। एंड अब सारे ऊपर के ब्लॉक हट गए उनको छोड़ के। ओके ये भी आ गई भाई, एक भी बोन ब्लॉक नहीं छोड़ूंगा भाई, आ जा। मेरे पास बोन ब्लॉक हैं तो इससे एक स्टैक से ज़्यादा बोन बन जाएगा भाई। हो गया मेरा, हो गया भाई। हो जाए, हो तो जाए, लेकिन मरना नहीं चाहिए बस ना गाइस। पहली बार हुई है जिंदगी में, ले भैया ओम फो भाई, बच गया, क्या ही बचा, मेरे आयरन आर्मर ने बचा दिया भाई, अच्छा वाला। तो गाइस आज की वीडियो में आपने देखा कि आज हमने अपने दोबारा सर्वाइवल वर्ल्ड में खेला और आज हमको इतनी रेयर फॉसिल्स दिखी, तो मजा आ गया भाई, बहुत लक्की सीड है मेरी। और रिवीन के अंदर ही माइनशाफ्ट है, तो वो माइनशाफ्ट हम नेक्स्ट एपिसोड में लूटेंगे। तो एनीवेज आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।